तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ये वीडियो है बुधवार का, टाइम नहीं मिला एडिट करने के लिए तो लेट। और आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन पकौड़ा। बहुत दिन से बनाने का प्लानिंग था तो दिन नहीं हो रहा था, और आज हम लोग बनाएंगे चिकन पकौड़ा। फाइनली पापा लेके आए हैं चिकन और हम लोग आज चिकन पकौड़ा बनाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही है चिकन, पापा लेके आए हैं चिकन यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी हम कुछ मसाला रेडी कर रही है। यहाँ पर देखिए कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, तवा प्याज, दही मसाले यहाँ पर जरूरत करेंगे चिकन को। जो जो भी यहाँ पर दिए जाते हैं मसाले, यहाँ पर सब कुछ मसाला दे देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा कसूरी मेथी, थोड़ा प्याज कटा हुआ प्याज, थोड़ा सॉस, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा काला जीरा, थोड़ा नींबू निचोड़ लेंगे। उसके बाद एक अंडा दे करके, कॉर्नफ्लावर दे करके यहाँ पर हर चीज़ में चिकन को मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से फ्लेवर उसके अंदर चल जाए। जितना अच्छा से फ्लेवर उसके अंदर जाएगा उतना ही खाने में मजा आएगा। आपको देखिए सब कुछ दे दिए हैं। नमक हम नहीं दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो नमक थोड़ा सा हम बाद में दिए। यहाँ पर पूरा अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो मम्मी हेल्प कर दी, थोड़ा सा बोली तुम करो, तो हम यहाँ पर कर ले रहे हैं। हो गया मेरा चिकन मैरिनेट कर लिए हैं अच्छे से। अब उसको थोड़ा देर ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर चिकन के अंदर चले जाए। और बेटू गई है, अभी उसकी नानी के साथ घूम रही है बाहर। हम उस पर चिकन मैरिनेट करके रख दिया, फिर बनाएंगे गर्मा गर्म पकौड़ा। ये देखिए बेटू घूम रही है नानी के साथ। यहाँ पर बेटू और हम आ गए हैं। यहाँ पर नानी देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है यहाँ पर देखिए कढ़ाई पे चल गया गरम गरम पकौड़ा। यहाँ पर तल रही है मम्मी, आज तो मज़ा आ जाएगा, गरम गरम पकौड़ा खाएंगे। पकौड़ा बन के रेडी हो गया है, लोग हो रहा है अपना टेस्ट करेंगे। हम जब नमक देते पहली बार में नमक कम हो गया था, और अभी तो नमक दी है मम्मी तो अच्छा लगता है। अब बैठू गई नानू के साथ फिर से घूमने। यहाँ पर अपना फ्रेंड देख के अभी बैठ जाएंगे। भाई आया नहीं है, पता नहीं भाई कब आएगा। वो खाएगा गया है खेलने के लिए, मतलब अपने फ्रेंड लोग से मिलने के लिए। यहाँ पर हम लेके बैठ गए हैं। पकौड़ा एंजॉय करेंगे अपना। गर्मी में गरम गरम पकौड़ा किसको खाना अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत टेस्ट बना था। यहाँ पर मेरा भाई आ गया, हम लोग खाके खत्म कर लिए। क्या लाया? ओ मेरा बेबी के लिए लाया
यहाँ देखिए मेरी लाडो के लिए लाया है विप्स, इसका विप्स खत्म हो चुका है मतलब होने वाला है, तो अभी लाया है। अरे तुम इतना देर कहाँ था? हम तेरे को फोन करा था कि आओ आओ आओ, तुम तो आया नहीं। देखिए कैसे उछल रहा है खाएगा बोल के। नहीं तुम मत आओ, हमने सब खा खत्म कर दिए, अकेले मत खाना, हम बाकी है। कंदा है बहुत बड़ा कंदा है। रुको इस तो फोन कर रहा, तुम आया नहीं, दे हमको भी दे। ए पांच बार खाए नहीं तो फिर जा। अरे को तेरी बॉस नहीं से सोई छी चाहे भाई बहन कितने बड़े हो जाए लेकिन एक खाने के बाद दूसरा जब खा रहा हो तो उसके मांगने का मजा ही कुछ और है। हम लोग बचपन से ऐसे ही है, कोई और अकेले खाएगा तो हम लोग ऐसे ही मांगते हैं। दो बचपन की यादें। तो हम लोग सब खा के यहाँ पर फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं और रात का बजने वाला है 10:30। यहाँ पर बेटो को देख के सो गई थी बीच में, अभी उठ गई है, मामू के साथ खेल रही है। बेटू का बदमाशी, मामा भांजी ने क्या बदमाशी कर दी। zulf tere jaame ka dagar jaisi aankhon wali ye to bata mera naam kya। आज का ब्लॉग यहीं तक है, आप सबको कैसे लगा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।